नून लीग के मरकजी रहनुमा पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात की पीटीआई में शमूलियत की तैयारियां मुकम्मल। पीर अमीनुल हसनात आज भेरा में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें मजीद इस पर अपडेट करेंगे। उमर जड ने ज्वाइन किया है। जी उमर। जी, साबिक वजीर मुमलिकत रहे हैं मजहबी अमूर के और नून लीग के मरकजी रहनुमा भी हैं पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात। वो उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया है और आज इस हवाले से वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और जो सदर शुमाली पंजाब है आमिर कैनी, वो ये एक वफ्त जो है वो आज पीर अमीनुल हसनात का खैर मकदम करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर। और आज भेरा जिनका आबाई इलाका है वहां पर पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात जो है वो अपना जो उनके साथ उनके लोग हैं जिनके साथ वो भी आज तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। और पीर अमीनुल हसनात जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो काबीना है उसका और शेख फखर अब्बासी उन दोनों की काबीना का हिस्सा भी रहे हैं। और आज ये एक बड़ी विकेट है जो सरगोधा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत होने जा रही है क्योंकि पीर अमीनुल हसनात जो है वो NA 64 सरगोधा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तो अब ये आज बड़ी विकेट जो है वो गिराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आज इस हवाले से एक तकरीब भी रखी गई है जिसमें पीटीआई रहनुमा भी और वफ्द की सूरत में शरीक होंगे और पीर अमीनुल हसनात को उनके साथियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शमूलियत पर खैर मकदम किया जाएगा। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका।